फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषा किचन। आज हम बनाएंगे मसालेदार आलू की सब्जी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। चार मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, लहसुन 6-7 कलियाँ, एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक हरी मिर्ची, दो टमाटर जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और इसमें चाहिए धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा और तेल। इसमें तेल डाल दिया, तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं हम जीरा। उसके बाद लहसुन, प्याज, मिर्ची, तो गोल्डन फ्राई होने तक पकाते हैं। आठ से दस सेकेंड में गोल्डन फ्राई हो जाएगा। डालेंगे धनिया पाउडर, लाल हल्दी पाउडर। देखिए प्याज हमारे पक गए हैं, अब इसमें डालते हैं मसाले। डालेंगे सबसे पहले 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। मसाले को पकाते हैं। मसाले को तेल छोड़ने तक पकाएंगे। ये आलू को फ्राई कर लेते हैं हम। चार आलू लिए थे, आलू फ्राई होंगे जब तक हमारा मसाला ही भूनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। आधा टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। लगभग पक के तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने रबड़ी चॉप करके रखे थे। गैस को सिम कर देते हैं। इसमें डालेंगे हम नमक, 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया। नमक अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको पकने देते हैं जब तक कि हमारे आलू फ्राई हो जाते हैं। अभी आलू पक गए हैं, हम इनको इन आलू को 50% तक पकाना है। देखते हैं, आलू हमारे पक गए हैं, हमने इनको 50% ही पकाया है। इनको निकाल देते हैं। बचा हुआ तेल हम किसी भी सब्जी में काम में ले सकते हैं। ये सारे आलू निकाल लिए हैं। बचे हुए तेल को हम किसी भी चीज़ में भी ले सकते हैं। ये देखो पक के तैयार हो गया है। अब इन आलू को इस मसाले में डाल देते हैं। मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। देखो अब इन आलू के मसाले में डाल देते हैं। देखो सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जैसे कि रसेदार सब्जी बन जाए। आप अपनी पसंद से इसको सूखी भी बना सकते थे, पर हमने इसे रसेदार बनाना है इसलिए हमने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। हम इसके कुछ देर 5 से 7 मिनट के लिए और बीच में से 2 से 3 बार ले जाएगा। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। हमें ऐसी ग्रेवी ऐसी ही चाहिए। अब इसमें सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गैस को सिम कर देते हैं। इसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया,
डाल देते हैं। इसे 5 सेकंड के लिए ढक देते हैं, इसे धनिया अच्छे से पक जाए। 2 सेकंड लग रही है, हम गैस को बंद कर देंगे। सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छे से बनके तैयार हुई है। आप इसे किसी भी रोटी, नान, तंदूर या पूरी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। और खाकर बताइए, बनाइए और कमेंट करके बताएं कि हमारी सब्जी कैसी बनी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं फिर।